हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो आज के इस लेशन में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, जिसके दो पार्ट हैं। एक तो रूट के बारे में हम पढ़ेंगे और एक स्टेम के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेम, रूट में तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप तो प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि प्राइमरी ग्रोथ का फॉर्मेशन में हेल्प किया था एपिकल मेरिस्टेम ने। जहां तक सेकेंडरी ग्रोथ की बात है तो इसमें हेल्प करता है लैटरल मेरिस्टेम। तो पहले तो जाने सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन गर्थ, जो प्लांट के नीचे का पार्ट है, मींस जो थिकनेस है प्लांट की, जो सर्कमफेरेंस होता है, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो उसको ही बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। मींस प्लांट के ऑर्गेन में थिकनेस होना, इसको ही सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। जनरली जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं उनमें दो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, एक तो वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। इसके पहले मैं बता दूं कि सेकेंडरी ग्रोथ जनरली होता कहाँ है। जनरली ये पार्ट्स में आपके होते हैं डाइकॉट के रूट्स में और डाइकॉट के स्टेम में, और जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलता है। बस यही होगा, एक्सेप्शनल कुछ केस है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब तो इतना ही याद रखो, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट वैस्कुलर कैम्बियम। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है एक मेरिस्टमेटिक लेयर होता है, मींस मेरिस्टेम का लेयर है। जो लैटरल मेरिस्टेम आप देख रहे हैं तो मेरिस्टेम का ये लेयर होता है, जो कि यंग स्टेम में पैचेज के फॉर्म में इस तरह अरेंज होगा, और आगे जब जाता है तो कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन वो करता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आगे। तो पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है। कुछ प्रोसेसेस हैं, सिंपल सी प्रोसेस हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, मीन जो कैम्बियल रिंग होती है वैस्कुलर कैम्बियम, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। जनरली उसमें ये दो प्रोसेस हैं। पहले तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि प्राइमरी ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा तो आप जानते हैं, किसी के अगर अंदर कोई पार्ट चल रहा है तो उसको हम इंट्रा बोलते हैं, और इंटर अगर बीच वाला पार्ट होता है तो उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम में देख सकते, जैसे ये जो पार्ट आप देखो इस डायग्राम में, ये वाला पार्ट देखो आप, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, क्योंकि दो के बीच में ये प्रेजेंट है। और जहां तक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात है, तो ये जो कैम्बियम आप अंदर का ये पार्ट देख रहे हो, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो मीन्स पहले इंट्राफेसिकुलर आया, इसलिए हमने उसको प्राइमरी ओरिजिन नाम दिया, और बाद में जो आता है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, वो सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। तो जो डाइकॉट स्टेम्स होते हैं, तो डाइकॉट स्टेम्स में जब कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, इसमें कुछ खास मेडुलरी रेज और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो पहले बना था, सब मिलकर एक कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो जाकर कंटिन्यूअस रिंग का वहां पे फॉर्मेशन होता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था नीट 2013 में कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है उसमें क्या क्या के सेल, मींस किस चीज के सेल मिलकर बने थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो एक तो मेडुलरी रेज के सेल्स थे और दूसरा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो जाकर मिलकर बना था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ चुका होगा, अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। ये थोड़ा खास है कि एक्टिविटी कैसे होता है। तो इसमें तो कुछ फ्यूजी फॉर्म इनिशियल्स वगैरह का केस है, तो वो सब नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो एक्टिविटी होती है कैम्बियल रिंग के फॉर्मेशन की, बनने की, तो सेकेंडरी फ्लोएम एक चीज होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी कुछ सेल्स होते हैं तो पहले तो पेरीफेरी के तब जाएंगे, और जो सेल्स मीन्स बाहर आउटर साइड में अगर जाते हैं तो वो सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। मीन्स आउटर सेल्स में जो भी सेल्स का फॉर्मेशन होना है वो होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और जो अंदर में जो सेल्स बन रहे हैं वो होते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो जो जाइलम होता है इससे वुड का फॉर्मेशन होने वाला है, और जो बाहर हैं इससे बास्ट वगैरह जो भी प्लांट के वो पार्ट जो काम नहीं आएंगे आगे, तो वो पार्ट बाहर फॉर्म होते हैं, और जो अंदर ये फॉर्म हो रहा है ये सेकेंडरी जाइलम होता है, जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि जो सेंटर पे बनती है ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये ज्यादा बनता है, इसका जो अमाउंट होगा 8 से 10 गुना ये अमाउंट ज्यादा होता है। जो सेकेंडरी जाइलम मैं ये बना रहा हूँ
तो इसका अमाउंट ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लेम से। तो ये समझ चुके होंगे आप, 8 से 10 गुना ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लेम से, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सेकेंडरी जाइलम मैंने बनाया, तो सेकेंडरी जाइलम ही प्रेशर लगाता है प्राइमरी जाइलम पे और पीथ पे जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो सेंटर में चला जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। आप पूछोगे सर प्राइमरी फ्लोएम कहाँ गया और सेकेंडरी फ्लोएम, तो आप तो बोलोगे सेकेंडरी फ्लोएम तो यही है। नहीं, पहले वाले सेकेंडरी फ्लोएम की बात कर रही, जो ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम की यहाँ पे बात चल रही, तो वो सब क्रस हो जाते हैं, इतना प्रेशर लगता है। तो आपको तो इतना ही याद रखना है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो पेरीफेरी पे, सेकेंडरी जाइलम जो था वो सेंटर पे, ठीक है। नंबर किसका ज्यादा, तो सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा, जो कि जाकर वुड में फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज जनरली होते कहाँ हैं, तो जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं और जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं उनके ही ये बीच में ये प्रेजेंट होता है रेडियल डायरेक्शन में। काम क्या है इससे पूछा जाएगा, तो वाटर और फूड का ये कंडक्शन करते हैं रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स का, फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी खास है। तो पहले तो जाने फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनका फॉर्मेशन आखिर होता कहाँ पे है। तो जो बेस ऑफ ट्रंक होता है तो वहीं पे उसका फॉर्मेशन होता है, हम उससे ही एज डिटरमाइन करते हैं कि कितना एज। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वैस्कुलर कैम्बियम हमने पढ़ा उसकी अनइक्वल एक्टिविटी ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, तो उसके द्वारा उनकी एक्टिविटी अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछा जाता है आपसे, कि लॉजी मीन्स स्टडी, क्रोनो मीन्स ईयर, डेंड्रो मीन्स वुड से रिलेटेड है, ट्री से रिलेटेड है। तो हम प्लांट की ट्री की एज बता सकते हैं काउंट कर जो एनुअल रिंग्स अंदर बन रही हैं कि प्लांट की एज कितनी हुई। तो ये हमारा पार्ट रहा था एनुअल रिंग्स रिलेटेड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट है। ये मैंने बताया आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो अंदर बन रहा है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और नेक्स्ट आप मेडुलरी रेज आपने देखा ही। मेडुलरी रेज कहाँ, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लेम के बीच में बनते हैं। और जहां तक ये फ्लेम और फिलोजिन की बात है तो मैं आपको आगे बताता हूँ ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट देखें आप, जो कुछ और डिटेल्ड में डायग्राम है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो अंदर ये कैम्बियम बन रही है इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब यही देखें आप, जैसे ये आप अभी आप देख रहे थे कि कैसे एज को डिटरमाइन करेंगे, तो ये तो फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर, जैसे जैसे अंदर रिंग बनती जाएगी वैसे वैसे हम ईयर को भी डिनोट करते चले जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम से भी आप देख रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है, आप वहां से कर लेंगे। नेक्स्ट है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। तो हम बात करेंगे स्प्रिंग वुड होता क्या है। तो पहले तो स्प्रिंग वुड जो होता है स्प्रिंग सीजन में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए नाम दिया जाता है इसको स्प्रिंग वुड, ठीक। स्प्रिंग वुड अर्ली वुड होता है और ऑटम वुड जो होता है वो लेट वुड होता है, ठीक है। स्प्रिंग वुड लाइट कलर का होता है तो ये डार्क कलर का होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा अमाउंट में किसका फॉर्मेशन होता है, तो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसको जाइलरी एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी टर्म वुड से रिलेटेड होगा ना उसको हम जाइलो जाइली जाइलरी इससे रिलेट करते हैं। ऑटम वुड लेस इन अमाउंट, ये लेस डेंस होगा तो ये मोर डेंस होगा। इसमें जाइलम टिश्यू जो होती है वो लार्ज नंबर में होगी, इसमें जाइलरी एलिमेंट्स कम होंगे। जैसे आपने देखा इसमें जाइलरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था, वाइडर वेसल्स होते हैं, नैरो वेसल्स होते हैं। ये नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लेट वुड, लेट वुड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये स्ट्रॉन्गर देन अर्ली वुड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसका ही काम किया जाता है, कुछ फर्नीचर वगैरह जो बनाने होते हैं उनमें इसका ही काम किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, हम आगे बात करने जा रहे हैं हार्डवुड और सैपवुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हार्डवुड जो होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये लाइट कलर का होता है सैपवुड, मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है फॉर्म सेंट्रल वुड ऑफ एन ओल्ड स्टेम, ये आउटर वुड का फॉर्मेशन करता है सैपवुड, ठीक है। तो हैवियर है, ठीक है, और हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, इसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं लग सकता। लाइटर होते हैं सैपवुड, डेड एलिमेंट्स लिग्निफाइड होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं सैपवुड में। डज नॉट कंडक्ट वाटर बट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू अ स्टेम, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को, इससे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। और जो सैपवुड होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करेगा क्योंकि लिविंग सेल्स है रूट से लेकर लीफ तक,
फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका काम आता ही है। और हार्डवुड का एक और काम जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोजिट्स होते हैं, जो इनमें ही डिपोजिट्स होते हैं। ये सब तो हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये हार्ड ड्यूरेबल और रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट्स वाले, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये हमारा पार्ट, ये हम देख रहे थे अभी हार्डवुड और सैपवुड के बारे में। ठीक है, तो हार्डवुड किसको बोलोगे आप, ये जो ये वाला फॉर्मेशन हुआ है इसको हार्डवुड बोलेंगे, जो थोड़ा डार्क कलर का है, और सैपवुड थोड़ा लाइट कलर का जो होता है वो सैपवुड। आप फ्लोएम देख ही रहे हैं, पेरीडर्म ये अपर पार्ट आप देख ही रहे हैं। पेरीडर्म क्या होता है, तो फेलोजेन फ्लेम फेलोडर्म का मिक्सचर को बोलते हैं पेरीडर्म। मैं बताता हूं अभी आपको एक खास चीज, जो हार्डवुड का कैरेक्टर होता है टाइलोज। टाइलोज ये आप कैरेक्टर देख रहे हैं, टाइलोज ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो जाइलम पैरेन्काइमा का एक्सटेंशन है। ये जो आप देख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा का एक्सटेंशन हो चुका है वेसल्स में, तो इसको ही हम बोलते हैं टाइलोज। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये भी आया हुआ है, ये भी आया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। अभी हमारा टॉपिक कॉर्क कैम्बियम, ये क्या होता है देखें। कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही होता है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही हुआ, तो कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन के भी नाम से बोलते हैं। कॉर्क जो कैम्बियम होता है, फेलोजेन जो होता है, वो ठीक होता है, नैरो होता है, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। ये सब कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद करने हैं। अब इनके दो सेल्स, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर सेल्स कॉर्क या फ्लेम का फॉर्मेशन करेगा, और इनर सेल्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स या उसको ही फेलोडर्म बोलते हैं। सबके साइंटिफिक नेम यहाँ पर कुछ दे दिए गए हैं, टेक्निकल नेम। अब देखें, ये फेलोजेन फ्लेम फेलोडर्म तीनों को मिलाकर हमने बोला पेरीडर, ये आप याद रखें, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, ये जो कॉर्क हम देख रहे हैं, जो आउटर सेल्स से जिसकी फॉर्मेशन हुई है, उसमें सुबेरीन का डिपोजिशन होता है, जो सेल वॉल होता है उसमें। तो जब सुबेरीन का डिपोजिशन हो गया, तो वाटर तो एक से दूसरे जगह जाएगा नहीं, वाटर से इम्परवियस हो गया है, ये इम्परमेबल हो गया है। ठीक है, तो जो बॉटल कॉर्क्स होते हैं, जैसे क्यूरकस सुबेर की जो बॉटल कॉर्क होती है, जो बॉटल्स के टॉप पे लगाए जाते हैं कि पानी ना निकले इससे, तो इसमें इसका ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो कॉर्क यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको फ्लेम बोल रहे हैं। ठीक, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ बार्क के बारे में ये क्वेश्चन पूछी गई थी कभी। बार्क जो होता है ये नॉन टेक्निकल टर्म होता है। ठीक, पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे बार्क के बारे में। नेक्स्ट, बार्क, बार्क में पेरीडर्म और प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। पेरीडर्म हमने क्या देखा, जो फेलोजेन फ्लेम और फेलोडर्म सब मिलकर जो बने थे वो बार्क में होंगे, मतलब जितने भी टिश्यूज जो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर हैं वो सारे आते हैं बार्क के अंदर। बार्क दो टाइप की होती है, एक सॉफ्ट बार्क और एक हार्ड बार्क। सॉफ्ट बार्क को अर्ली बार्क भी बोलते हैं, लेट बार्क को हार्ड बार्क भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है लेंटिसल्स के बारे में। लेंटिसल्स जो होते हैं लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है। लेंटिसल्स में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस होता है, थिन वॉल्ड होता है, राउंडेड होता है और कलरलेस होता है। नेक्स्ट है लेंटिसल्स का काम क्या होता है, तो गैसियस एक्सचेंज में ये मदद करते हैं, परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू ऑफ सिस्टम। सिंपल सी चीजें हैं लेंटिसल्स। ठीक है, नेक्स्ट मोस्टली वुडी ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो हैं वो रप्चर करती हैं, तो लेंटिसल्स का वो फॉर्मेशन होता है। आप पहले डायग्राम देख लें इसके, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, लेंटिसल्स का डायग्राम है, और अपर पार्ट आप एपिडर्मिस जानते ही, एक कॉर्क कैम्बियम वाला पार्ट है, और नीचे का जो पार्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ एग्जांपल्स में आपको कुछ याद रखने हैं बस। देखिए, वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, पहले भी हम बात कर चुके हैं। जो बिगिनिंग होगा वैस्कुलर कैम्बियम का वो वेवी होगा, और लैटर वो इस तरह वेवी होगा, और फिर जब लैटर बनेगा तो वो सर्कुलर बन जाता है। नेक्स्ट है स्टेम में भी होता है, और रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में भी होता है, मींस डाइकॉट के स्टेम में भी होता है और रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डाइकॉट रूट्स में एनुअल रिंग एब्सेंट होते हैं, डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स में, सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, और इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इनमें कैम्बियम तो होता नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट देखें, ये हमने देख ही लिया है। अब कुछ ये बार्क के बारे में आप देख लें, आपने देखा होगा ऐसे पेड़ को। अब आगे देखें हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। पहले तो पीट्स के बारे में मैं बताऊं, जो सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल पे यहाँ पे डिप्रेशन होता है, वो एरिया थोड़ा लाइटेंड जो सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं, वहां पर वो थोड़ा एरिया ठीक हो जाता है, तो ऐसे एरिया को पीट्स बोला जाता है, डिप्रेशन को। नेक्स्ट है टाइलोज, मैंने आपको बताया टाइलोज हार्डवुड का कैरेक्टर होता है, बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उनका ही एक्सटेंशन होता है वेसल्स के अंदर, जैसे इस तरह से फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो वुडी डाइकोटा स्टेम है उनमें आप ऑर्डर में इसको अरेंज करो कि कौन से पहले आते हैं। पहले फ्लेम आएगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, फिर लास्ट में वुड आएगा। मीन्स पेरीफेरी से लेकर ये सेंटर तक का जा रहा है फॉर्मेशन, तो पेरीफेरी पे फ्लेम और सेंटर पे वुड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और नेक्स्ट लेशन में हम बात करने जा रहे हैं इसकी क्विक रिवीजन, जिसमें मैं आपको बताता हूँ जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ और जो आने वाले चांसेस हैं उनको मैं येलो कलर से अंडरलाइन करता हूँ। तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, काफी मेरा फेवरेट पार्ट भी है। तो इस तरह देखते रहिए बिट्स फॉर बायोलॉजी के सारे वीडियोज को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो सजेशंस होते हैं उन्हें मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और जो भी कमियां होती हैं मैं जरूर उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह लगातार बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।